गाइज गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन, एंड वृंदावन में तो बहुत सारी जगह हैं जो हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे। सो फाइनली हम रेडी हो गए और थोड़ा लेट जा रहे हैं बिकॉज हम लोग शाम के कुछ जो मंदिर वगैरह हैं वो सब हम जाएंगे, दर्शन करेंगे। ओके सो हम लोग फाइनली जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, उसके बाद हम लोग वृंदावन में डायरेक्टली मिलेंगे। एंड या बाय। सबसे पहले हम लोग गए थे प्रेम मंदिर, उसके लिए ई रिक्शा बुक करके 200 रुपीज़ में हमें ईजिली पहुंचा दिया था। एंड यू कैन सी द ब्यूटी, बहुत ही सुंदर जगह है, मैं सच बताऊँ है अच्छी तो लग रही है। तो ये है प्रेम मंदिर की ब्यूटी, ये जितने भी स्कल्पचर्स बने ये शाम को सब अपने आप मूव करते हैं, और वो है सामने सुंदर सा मंदिर। सच बताऊँ तो 12 से 4 कोई भी मंदिर मत जाना, सब मंदिर बंद रहते हैं। हम लोगों ने बहुत वेट किया था, और यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं पड़ता है, आपको बस लाइन में लगना है और अपने सामान का ध्यान रखना है। सेल्फी स्टिक अलाउड नहीं है, मेरी तो बाहर रख ली गई थी। ये है गोवर्धन पर्वत, अंकल जी चिल्ला रहे हैं। और हाँ, प्रेम मंदिर की ब्यूटी रात को ही देखने को मिलती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप रात में जाएं। हम लोग को शूट वगैरह करना था इसलिए हम लोग दिन में जल्दी चले गए थे, और अभी लाइटनिंग वगैरह ऑन नहीं हुई थी। ये इतने सुंदर राधा कृष्ण झूले पे बैठे हुए लग रहे थे, मैं सामने से क्या ही बताऊं। और रात हो चुकी थी, लाइटनिंग वगैरह सब ऑन हो गया था, और अब आप देखना इसकी ब्यूटी, इतना सुंदर लग रहा है। ये लाइट वगैरह चेंज होती है सामने प्रेम मंदिर की, और मैं सच बताऊं ये सच में हेवन है। ये अगर यहाँ नहीं गए ना तो सब व्यर्थ है। आगे बढ़ते माँ वैष्णो देवी धाम आता है, 15 से 20 मिनट का ही रास्ता है, आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। और ये मूर्ति आगे की तरफ झुकी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है सामने से। और ये है माता का सुंदर दरबार, ये मूर्ति भी आप देख सकते हो झुकी है आगे की तरफ। एग्जिट के टाइम पे आप ये सुंदर सी आर्ट भी देख सकते हो। हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम यहाँ पे छोले कुलचे खाने आए हैं। वृंदावन का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और उसके बाद हम लोग गए थे शॉपिंग करने, मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी करी। और यस, दिस इज़ एंड ऑफ द व्लॉग, मैं नया व्लॉग लेकर आऊँगी। टिल देन लाइक करिए प्लीज़ वीडियो को। राधे राधे।